फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग दिल से में। आज हम बनाएंगे बंगाली मिठाई सौंदेश। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजीली बन जाती है, तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सौंदेश बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, 8 से 10 बादाम, 1 नींबू का रस, 1/2 कप शुगर पाउडर। सबसे पहले हम दूध गर्म करते हैं। मैंने यहाँ पर गाय का दूध यूज किया है। हम इसे 1 उबाल आने तक गर्म करेंगे। अब हमारा दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नींबू का रस डालकर इसे फाड़ लेंगे। अब हमारा दूध फट चुका है, अब हम इसको एक कपड़े में छान कर छेना तैयार कर लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। अब इसे छानने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। अब इसको निचोड़ने के बाद हम इसे 30 मिनट के लिए लटका कर रख देंगे। अब 30 मिनट रखने के बाद हम इसको इसमें डाल लेंगे, इसको मैश कर लेंगे। हमें इसे 10 मिनट तक अच्छे से मैश करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये जो हमारा छेना था, ये हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें ये शुगर पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा छेने का डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट भूनते हैं। अब हमने जो ये डो बनाया था, अब हम इसे पैन में डालकर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको हम चला चला कर भूनते रहेंगे, फैला फैला कर थोड़ा इसे भूनते रहेंगे। ये जो छेना था हमारा अब भून चुका है। अब हम इसमें ये 1/4 इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद अपने संदेश बनाकर तैयार करेंगे। अब छेना ठंडा होने के बाद हम इसके संदेश बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हमें इस तरीके से राउंड राउंड घुमाना है। गोल होने के बाद हल्का सा प्रेस करना है और हम इसमें बादाम लगा देंगे। ये हमारा संदेश बनकर तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संदेश बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी संदेश बने हैं। आप अपने घर में इसको जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।